हमारा जीवन क्लास 7। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज पाठ 3, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है, वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, कहीं पर्वत और पठार है तो कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की मुख्य स्थलाकृतियां हैं, प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होता है, क्या आपने कभी सोचा है? आइए जानें। चित्र 3.1। इस वाले चित्र को देखने से ज्ञात होता है कि स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। देखिए इस चित्र में क्या है, ये है चित्र। चित्र मतलब हमारी धरती, पृथ्वी है। कितने कितने खंड है, यहाँ प्रशांत महासागर प्लेट है, यूरेशियम प्लेट है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उत्तर अमेरिकी प्लेट है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह है। तो मतलब क्या दिखाते हैं कि डिवाइडेड है, अलग अलग खंडों में विभाजित है, ठीक। तो इसको कहते हैं स्थलमंडलीय प्लेट, जो हमने अभी पढ़ा, ये यहाँ पर लिखा है, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति के बल कुछ मिमी होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन, टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब ये गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल लिथोस्फेयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त इसी प्रकार बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी आकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं, आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल। यहाँ हम आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। आंतरिक बल, एंडोजेनिक फोर्स, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक बल, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक बल दो प्रकार के हैं, बलन और भ्रंशन, सॉरी दीर्घकालीन बल दो प्रकार के हैं, बलन और भ्रंशन, और आकस्मिक बल जो है ये दो प्रकार के हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। तो सबसे पहले हम आंतरिक बल में दीर्घकालिक बल पढ़ेंगे। इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण आदि। 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते हैं। इसके चारों ओर पैंथालसा नाम का महासागर था। उसके बाद पृथ्वी की प्लेट के खिसाव के कारण नए नए महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान रूप में आई, इस तरह दिखने लगी। उसके बाद पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट तिब्बत के नीचे जा रही है।
जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतों के निर्माण में ये आंतरिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं? आइए जानें। हमने देखा कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है, बलन एवं भ्रंशन। बलन फोल्डिंग, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तथा दबाव की क्रिया होती है जो इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। इस चित्र में देखिए, ये इस तरह बढ़ रही थी, फिर एकदम से इन पर दबाव पड़ा तो ये मुड़ गई, ये बलन फोल्डिंग हो गई। मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं, हिमालय, आल्प्स, राकीज, एंडीज आदि मोड़दार बलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। आप एक कागज लेकर दोनों ओर सिरे से धीरे धीरे दबाकर देखें तो पाएंगे कि कागज के मध्य भागों पर सिकुड़न आ जाती है। इस तरह से सिकुड़न आ गई, सिकुड़ने पर कागज का पहले वाला रूप बदल जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर भीतरी दबाव का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है जिससे हजार वर्षों बाद बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है। अब दूसरा भ्रंशन फॉल्टिंग, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिसे भ्रंश फॉल्ट कहते हैं। इसी भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धस जाता है। ऊपर उठा हुआ भूभाग होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है जबकि नीचे धसा हुआ भूभाग भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा व तापी नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण। ये देखिए, ये इस तरह से जा रहा है, अब इन पर अलग अलग ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर डायरेक्शन बढ़ पड़ रहा है। अब इन पर बहुत दबाव पड़ा तो क्या वो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, जो नीचे की तरफ आ गया इसको रिफ्ट घाटी बोलेंगे, जो ये इधर उधर चले गए इनको होस्ट पर्वत बोलेंगे। होस्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं ये अभी हमने आपको बताए। होस्ट पर्वत मतलब जो ये है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, और हमारा भ्रंश वाला क्या है, ये नर्मदा व तापी नदियाँ। हम इसके आगे आते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं, इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। ज्वालामुखी वॉल्केनो, ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा गैस राख धुआं कंकड़ पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक सक्रिय नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। ये है नली, ये पतली सी नली जा रही है ऊपर, यहाँ पे छेद और यहाँ से निकल रहे हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, इस छिद्र को बीवर क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है उस बिवर में पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी शब्द शांत हो जाती है तब इस छिद्र में जो बिवर यहाँ पे पानी भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इसे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे के कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है आइए समझें। जहां पर भूतल कमज़ोर होता है एस्थिनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकाते समय आपने देखा हो, दाल पकते समय आप देखते होंगे तो पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है, और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में बारात में अन्य उत्सव पर्व त्योहारों को मनाते समय अनार पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस चिंगारी राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा लावा राख आदि निकालकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। आइए करके जानें। आप मिट्टी का बना खाली अनार पटाखा लीजिए।
जिसमें छिद्र से थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा लेकर भर लें। फिर अनार की पेंदी में एक छोटा सा छिद्र कर उसमें रबड़ की नली लगाएं। छिद्र को अच्छी तरह बंद करके रबड़ नली से फूंक मारकर देखें। हवा बल द्वारा भीतर से कागज के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे हम कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार के होते हैं और आगे का जो भी पार्ट है।